सबसे पहले नमस्ते, मैं किरण बड़ोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फूलगोभी की एक जो है यम्मी यम्मी और टेस्टी टेस्टी रेसिपी। इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए बनाते हैं फूलगोभी से टेस्टी टेस्टी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फूलगोभी को ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। तो फूल गोभी को मैंने ग्रेट कर दिया है और अब मैं इसे क्या करती हूँ कि एक मिक्सिंग बाउल में डालूंगी। तो फूल गोभी भी अपने अनुसार ही लें, अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार ही लें। मैंने ये कम से कम जो है फूल गोभी ये 250 ग्राम करीबन ले रखी थी। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक कटोरी ये आटा। और अब इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। मिर्च पाउडर ये भी अपने स्वाद अनुसार ही डालें। हल्दी पाउडर, डालूंगी अजवाइन और सबसे अच्छी और मेन चीज डालूंगी इसमें मैं क्या डालूंगी कि ये जो हरा धनिया है कटा हुआ बारीक कटा हुआ इसे इसमें डाल लूंगी। इससे जो है इसका स्वाद और टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा बनेगी। और अब मैं जो हूँ पहले इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लूंगी। और अब मैंने जो है इसको जो है मैंने मिला लिया है चम्मच से और अब इसमें पानी डालूंगी। और फिर इसे मिला लूंगी। और अब मैं इसे थोड़ा और पानी मिलाऊंगी। इसमें अगर हरी मिर्च भी काट के डालना चाहिए बारी बारी तो काट के डाल सकते हैं और ना डालने जाए तो ना डालें। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। बस इस तरह से इसकी ये कंसिस्टेंसी बना लेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा आटे की जरूरत और पड़े तो डाल सकते हैं, जैसे कि मैं ये डाल रही हूँ। और मिक्स कर लूंगी। बस इसका घोल इस तरह से तैयार कर लें। इस तरह से कर लें इसे तैयार और अब इसे बनाते हैं। चलिए अब तवा भी मैंने रख दिया है और ये भी गर्म हो गया है तो इसमें डाल लेते हैं तेल और चारों तरफ फैला लेंगे।
तो तेल गर्म हो चुका है और इस घोल को इसमें डाल और चारों तरफ फैला लेंगे। अब से तेल फिर से डालेंगे और थोड़ा ऊपर से भी डालेंगे। अब देखिए ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। और अब इसे आराम से पलट लेंगे इस तरह। और फिर तेल डालेंगे। बस ये भी सिकने लग गया है। और ये परांठा जो है दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो उतना ही टेस्टी ये खाने में होगा। तो बस अभी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं, तो इसे मैं आप निकालूंगी। बस इस तरह से पलटूंगी। अब ऐसे ही मैं सारे परांठे बना लूंगी। तेल थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि तेल इसमें पहले से ही है। और इसमें अगर बेसन भी मिला सकते हैं तो मिला सकते हैं आप। इस जो घोल बनाया है तो आटे के साथ जो है बेसन भी मिला सकते हैं। तो ये भी उसी तरह से सिक गया है अच्छी तरह से एक तरफ से। ये भी मैंने पलट लिया है और इसके भी चारों तरफ तेल लगा लेंगे।